सब। और हम खेल रहे हैं, रात को कितना बज रहा है? 11:30 11:30 बज रहे हैं रात को और हम खेल रहे हैं कैरम। थोड़ा अंधेरा आ रहा होगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, सॉरी, क्योंकि रात का बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। और आज है डेट 18 जून और हमारे बेटे का बर्थडे भी हो जाएगा आधे घंटे बाद, उसका बर्थडे है मेरा बर्थडे आज का 19 जून से, उसका बर्थडे 19 जून को उसका बर्थडे है। बट अभी हम लोग तीन ही हैं, हमारे पति देव अभी हैं बाहर काम पे, उनको अभी दो हम सोचे थे, वो बोले थे कि हम निकलेंगे जल्दी तो 12 बजे तक आ जाएंगे, बट अभी जस्ट पता चला है कि उनको रात को 2 बज जाएंगे। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें, हम लोग केक कटिंग करने का प्लान था हमारा और हम कल बाहर भी जाने वाले हैं, तो कहाँ जाएंगे आप लोगों के साथ जरूर इसे हम से। अरे देख लिया था चुपके से, और सरप्राइज साक्ष था, वो देख भी लिया था, केक मैंने ला के छुपा के रखा बट वो देख लिया था। कोई नहीं, मेन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि पति देव लेट आ रहे हैं, 2 बजे आएंगे और हमें कल सुबह जल्दी उठ के जाना भी है। पता नहीं अभी लेट आ रहे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कुछ पता नहीं है अभी, बहुत ज़्यादा बच्चे भी टेंशन में है और देखिए उधर मच्छर आने लग चुका है, इन लोग सोने के लिए मैं हम टाइम पास कर रहे थे और हम टाइम पास कर रहे थे कैरम खेल के, सब गुड़ गोबड़ हो गया आगे जो भी रहेगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। नाइट टूटेंगे तो ठीक है, नहीं तो कल ही मिलते सुबह। तो उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ ना, हस्बैंड जी लेट आए रात को 2 बजे तो बच्चे सो गए तो नहीं केक कटिंग हुआ। मॉर्निंग में हम नहा धोकर मंदिर जा रहे थे तो बच्चे बोले नहीं केक कट करेंगे, हम बोले ठीक है क्योंकि रात को बहुत लेट आते हम इसलिए। तो देखिए बज रहा है 7, मॉर्निंग का टाइम है और हम निकलने वाले हैं, बस ये फटाफट हम केक कटिंग करेंगे और निकलेंगे क्योंकि हमें जाना है मंदिर, मुंबा देवी मंदिर, मुंबई में जो फेमस है इनके ही नाम से, मुंबई का नाम पड़ा था मुंबा देवी माता के नाम से ही। तो आप लोग बने रहिएगा फ्रेंड्स, आपको आगे बहुत ही अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर व्लॉग देखने को मिलेंगे, हम कहाँ कहाँ गए वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। जू गए थे, जू का जो वीडियो है रानी बाग यहाँ भाई खल्ला का है, जो जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो लोग बने रहें, वो नेक्स्ट पार्ट आएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था, जू का अलग वीडियो बन गया है और ये मुंबा देवी का अलग। तो हम कहाँ कहाँ गए थे हम आपके साथ शेयर करेंगे, आप लोग बने रहिएगा। तो यहाँ पे हम बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, मॉर्निंग में इन लोगों का हम बोले कि चलो हो जाए जल्दी से केक कटिंग, हमें निकलना था, लेट भी हो रहा था। फिर उसके बाद हम आ गए हैं स्टेशन पे, हम बैठे हैं, बस ट्रेन आएगी और हम चल देंगे अपने सफ़र पे। और मैं कैसी लग रही हूँ, बच्चे मेरे कैसे लग रहे ज़रूर बताना और मेरे बेटे को अपना आशीर्वाद दीजिएगा, अपना प्यार और दुलार दीजिएगा। हम बस ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, ट्रेन आ जाएगी तो हम निकल पड़ेंगे अपने सफ़र पे और आप भी हमारे साथ इंजॉय करिएगा। अब हम फ्रेंड्स आ गए हैं, मंदिर देख सकते हैं, सामने मंदिर दिख रहा है और ये पूरा जावेरी बाजार है यहाँ पे बोलते हैं सब, यहाँ पे बहुत बड़े बाजार हैं डायमंड के। और यहाँ पे हम सोचे थे फ्रेंड्स बारिश का टाइम है, इतना गर्दी नहीं होगा, भीड़ नहीं होगा, लेकिन बहुत भीड़ थी, हम लाइन लगाए बहुत ज़्यादा टाइम तक। तो भीड़ बहुत काफ़ी थी और इसी में बारिश भी होने लगा फ्रेंड्स, जो छाता लिए थे ठीक था, हम तो छाता लिए थे बट क्या करें। और हम मंदिर के पास बस पहुंचने वाले हैं, करीब हम 1.5-2 घंटा लाइन में थे तब जाकर हमारा नंबर आया है और बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और अंदर कैमरा अलाउड नहीं है फ्रेंड, फिर भी मैं जो भी हो सकेगा आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, आप लोग बने रहिए। मैं फिर भी आप लोगों के साथ में
कोशिश में धीरे चोरी चोरी से ले रही थी, क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं था, फिर भी मैं थोड़ा बहुत ले रही थी फ्रेंड्स, ताकि आप लोग भी देख सकें और आशीर्वाद ले सकते, माता रानी का दर्शन कर सके। बट अंदर एकदम जहाँ मंदिर है ना अंदर, वहाँ पे नहीं हो पाया फ्रेंड्स, नहीं ले पा रहे थे हम, क्योंकि वहाँ बिल्कुल अलाउड नहीं, तो अच्छा नहीं लगता है हमें कि भाई कोई कुछ बोले। तो यहाँ पे आप लोग इतना देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए, यहाँ पर सभी प्रसाद वगैरह यहाँ पे सब कुछ मिलता है, अंदर तक मिलता है, तो हमने यहाँ से लिया था। उसके बाद हम पूरा अंदर तक गए, अभी भीड़ बहुत ज़्यादा थी, हमें लगा नहीं होगा लेकिन बहुत ज़्यादा थी मंदिर के। हमारा दर्शन हो गया फ्रेंड्स, मैं जस्ट मंदिर के नीचे ही हूँ यहाँ पे। मैं सोची थोड़ा सा यहाँ का भी ऐसे ही शेयर कर लूँ, यहाँ से हम प्रसाद ले रहे थे तो यहाँ पे फिर डांटे यहाँ पे जो कर्मचारी लोग हैं, बोले नहीं वीडियो नहीं लेना है, मना कर रहे थे, फिर भी मैं ले रही थी थोड़ा बहुत इधर उधर से। हम भी ढीठ है भाई, यूट्यूबर हैं, ऐसे ही थोड़ी मान जाएंगे उनके कहने से। हम भी थोड़ा बहुत इधर उधर क्लिप ले रहे थे यहाँ पे, फिर हमने फ़ोटो क्लिक किया मंदिर में ही। ये आप लोगों के साथ मैं दो फोटो शेयर कर रही हूँ। उसके बाद हम बाहर आ गए, बारिश इतनी हो रही थी कि हम भीग गए थोड़ा सा। बाहर आकर फिर हम कुछ खाए पिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, सुबह से ऐसे ही घर से निकले थे। तो यहाँ पे हम ऑर्डर देख रहे हैं क्या लें क्या ना लें, तो हम ऑर्डर करते हैं। बच्चे पूछ रहे थे क्या खाएँगे क्या नहीं, तो वही देख रहे थे। हम मंगाए पाव भाजी, बच्चों का पसंद, मेरा फेवरेट, तो बोले ठीक है मंगा लेते हैं पाव भाजी। वहाँ से नाश्ता करने के बाद फ्रेंड्स हम निकल गए ज़ू के लिए। रानी बाग ज़ू जो है बहुत ही बड़ा है, इतना बड़ा है ना मैं क्या बताऊँ आप लोगों से। मैंने वहाँ का वीडियो लिया है और आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए, तो वो सेकेंड पार्ट में आएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, मुंबई है भाई, यहाँ पे कितने अच्छे चित्रकारी किए थे। तो मैं आप लोगों के साथ में थोड़ा सा मैं सोची शेयर कर दूँ, आप लोग भी देखेंगे अच्छा लगेगा। आप जो नहीं देखे हैं भाई देख लें, यहाँ मुंबई का ऐसा ही है यहाँ पर। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, बने रहिएगा आगे भी।